हेडलाइंस के बाद खबरों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में मेयर की सीट पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। अब तक 7 में से मेयर की 6 सीटों पर बीजेपी ने जो है 5 पर जीत हासिल कर ली। कोटद्वार में कांग्रेस ने जीत हासिल की। देहरादून में सुनील उनियाल गामा ने 36,000 मतों से कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल को हराकर मेयर पद पर कब्जा जमाया। तो वहीं हरिद्वार में मतगणना जारी है। हल्द्वानी में मेयर की सीट पर बीजेपी के जोगेंद्र रौतेला ने जीत हासिल की। काशीपुर में बीजेपी की उषा चौधरी विजयी रही। रुद्रपुर में बीजेपी के रामपाल सिंह ने जीत हासिल की। ऋषिकेश में बीजेपी की अनिता सिंह विजय रही। कांग्रेस को कोटद्वार सीट पर हेमलता नेगी ने जीत का स्वाद चखाया। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और दीपांकर के साथ जो है सुनील उनियाल गामा भी जो जुड़े हुए हैं, देहरादून से प्रत्याशी हैं। दीपांकर बात कीजिएगा, काफी खुशी है इस बीजेपी खेमे में। बिल्कुल जीरा, सबसे पहले न्यूज 18 पर ये विजुअल्स हैं। सबसे 3 से 4 मिनट पहले घोषणा हुई है कि सुनील उनियाल गामा देहरादून के नए मेयर होंगे। पहले आप सबसे पहले शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और देहरादून की सम्मानित जनता का धन्यवाद करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज ये भारतीय जनता पार्टी को जो उनका आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से जो स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सरकार बनी है, उन्हीं के आशीर्वाद से। पहले उन्होंने आशीर्वाद दिया था, हमारी उत्तराखंड में सरकार बनी थी, 7 विधानसभाओं में हमारे विधायकों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज निश्चित रूप से मेयर के रूप में मुझे और 100 पार्षदों को, जो हमारे 59 पार्षद हमारे जीत के आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से देहरादून का विकास करना है। देहरादून में आपने परचम बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकाय में सरकार बनाई है, इसे देहरादून का विकास करना है और देहरादून का जो विकास का पहिया है बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, इसके लिए हमने अनुरोध भी किया था और वो विकास का काम बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। खास बात तो यह है कि जिनसे आपने अनुरोध किया होगा वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर आपके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया। अब तो यह है कि बल्ले बल्ले। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और देहरादून की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से इस देहरादून का विकास करना है। देहरादून को विकास के साथ साथ विकास के पहिए और तेजी से बढ़े। जो सीमा विस्तार हुआ है उसमें बहुत काम करने हैं, जो नगर निगम के माध्यम से वहाँ काम होने हैं। निश्चित रूप से वहाँ अनेक समस्याएं हैं, बिजली के पोलों पे खंभे में लाइट लगनी है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे पानी देने के देहरादून वासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री जी ने भी देहरादून वासियों को गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस के लिए भी 22 नवंबर को प्रधानमंत्री जी दिल्ली में उसका उद्घाटन करेंगे। देहरादून से माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से देहरादून जो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है उसको स्मार्ट काम करने हैं। एक बात बताइए, 30 साल की राजनीति हो गई, आपकी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मेरी तो 26 साल की भी, उनकी 30 साल की, मुझसे ज्यादा लंबे समय से बीजेपी में, एक खुशी तो होती है कि यार कभी कुछ नहीं किया लेकिन आज मेयर बन गए, सिटी के फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी बन गए। देखिए, उनका आशीर्वाद है, निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से आज मैं मेयर बना हूँ और देहरादून की जनता का भी पूर्ण आशीर्वाद है। देहरादून की जनता का भी मैं पूर्ण उनको प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जो ये मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के बने। कैंपेन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी सुनील उनियाल गामा आपके लिए, सबसे बड़ी चुनौती जिसमें आपको टफ लगा कि यार बड़ा मुश्किल होगा, निकाल नहीं पाऊंगा? देखिए, टफ मेरे कोई नहीं लगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी स्थानीय कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद रहा तो ऐसी कोई चुनौती नहीं आई, सबका मिलजुल कर उसका समाधान किया। तो विकास होगा देहरादून में? देहरादून में विकास होगा और विकास का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो बीजेपी वाले थोड़े शांत क्यों हैं? आपका कोई गोदी उठा लो, गोदी। ये तस्वीरें देखिए जीना साहब, ये सुनील उनियाल गामा, देहरादून की जीत और एक बड़ी जीत यहाँ पर, जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी, यही जीत बीजेपी चाहती थी, यही माहौल चाहते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत कि देहरादून की सीट कम से कम बीजेपी के कब्जे में आए। और ये उत्साह है, ये रंग है, ये उमंग है बीजेपी का, जिसको चाहते थे बीजेपी। और देहरादून में बीजेपी के मेयर सुनील उनियाल गामा की जीत के साथ पूरे नगर निगम, अब सिर्फ हरिद्वार का एक निर्णय आना बाकी है और उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बीजेपी
खुश हो सकती है, संतुष्ट हो सकती है। और आज 11 बजे बीजेपी ऑफिस में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचेंगे। तो जीनत यह है तस्वीरें और सबसे पहले न्यूज 18 पर सबसे लाइव ठीक बात दीपांकर और जैसे बात की तस्वीर जीनत दर्शकों के लिए ठीक बात आपने कही। जैसे कल आपकी बात भी हुई थी मुख्यमंत्री से और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते नजर आए थे, जवाबदेही जो है वो सरकार की रहेगी, सरकार के कामकाज का बहुत फर्क पड़ेगा, जो भी नतीजे आएंगे उस पर जनता का मिजाज भी मालूम चलेगा। और उन्होंने एक और बात कही थी कि देहरादून में क्या हुआ, क्या किया गया, वो बहुत मायने रखता है और जीत हार जो है बहुत आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो कम से कम यहां पर संतुष्ट हो सकती है बीजेपी। शायद थोड़ा सा जो है अब क्योंकि शोर बहुत है वहां पर जो है जश्न जो है मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सुनील उनियाल गामा और जो है मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। कल भी हमने आपको जो है एक एक्सक्लूसिव बातचीत जो मुख्यमंत्री की सुनाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मित्र हैं, काफ़ी वक्त से राजनीति में हैं, 29 वर्ष ज़्यादा हो गए, मैं तो अभी नया मतलब 26 साल ही हुए हैं मुझे, और इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कल जब आप मुख्यमंत्री से बात करें तो उन्होंने बेहद ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देहरादून के जो नतीजे आएंगे उसका बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि सरकार के कामकाज की रूपरेखा तैयार होती है यहां से। तो बहुत जरूरी थी शायद बीजेपी के लिए, कांग्रेस के पास तो चलिए कुछ नहीं था खोने को, संजीवनी चाहिए थी लेकिन वो भी वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर मौजूदा सरकार के पास खुश होने की तमाम वजह कम से कम देहरादून सीट मिलने के बाद। तो बिल्कुल जीरत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरीके से हमने बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि देहरादून राजधानी है और देहरादून में उनकी साख दांव पर थी। सुनील उनियाल गामा को उनका बेहद करीबी माना जाता है, 1.5 साल में जिस पोस्टर बैनर पर आप देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सुनील उनियाल गामा का फोटो लगता था तो हर कोई ये मान रहा था कि सुनील उनियाल गामा ही मेयर प्रत्याशी यहां पर होंगे। और आखिरकार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरी ताकत झोंकी, पूरा सहयोग उन्हें दिया और खुद माना कि वो मुझसे पहले से राजनीति में है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी पार्टी लगी है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि बाकी प्रत्याशियों को मेरा उतना ही समर्थन। और जीनत खास बात ये 7 नगर निगमों में अगर आप देखें तो बीजेपी 7 के साथ क्लीन स्वीप कर सकती थी अगर बीजेपी में जिद ना होती कुछ लोगों की। हरिद्वार में अगर जिद ना होती तो शायद इस तरह के नतीजे जिस तरह वहां रुझान आ रहे वो सामने ना आते। कोटद्वार में अगर जिद ना होती तो शायद कांग्रेस वहां पर ना जीतती। जीनत एक खास इंपॉर्टेंट बात, मेरे साथ रॉबिन है, पिछले 24 घंटे में रॉबिन ने मतगणना स्थल से रिपोर्टिंग की है। किशोर भी यहां पर थे अभी नहीं है पर रॉबिन यहां पर रहे। रॉबिन पूरा जो रहा इवैल्यूएशन, पूरी जो गणित रही, किस तरह का माहौल रहा पूरे इलेक्शन में? देखिए अगर सिर्फ देहरादून की अगर हम बात करें तो शुरुआती जब रुझान आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में मतलब जीतते हुए दिखाई दे रहे थे रुझान, शुरुआती रुझान। लेकिन अब सुबह जो तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हुई है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि 60 जो पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं, मेयर उनके हैं, बोर्ड उनका है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जैसा आपने अभी कहा कि साख एक तरीके से दांव पे लगी हुई थी, मुख्यमंत्री खुद कैंपेनिंग कर रहे थे और जब से सुगबुहाट शुरू हुई थी कि नगर निगम चुनाव देहरादून की खासतौर पर क्योंकि बड़ा निगम है, जब ये चर्चाएं शुरू हुई थी मेयर इलेक्शंस की, नगर निगम इलेक्शंस की, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुनील उनियाल गामा जो कि बहुत ही खास हैं मुख्यमंत्री के, उन्हीं को टिकट मिलेगा और आखिरकार हुआ और वो जीत भी गए हैं। तो कुल मिलाकर देहरादून से बहुत सुखद नतीजे। राजनीति को हम मैच देखें तो कांग्रेस ने फील्ड में कहां काम नहीं किया, हालांकि कांग्रेस छोटी नगर निगम नगर पंचायतों में नगर पालिकाओं में जीती है, लेकिन यहां मैंने कल प्रीतम सिंह से भी ये पूछा कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला अगर बीजेपी गलती ना करती कोटद्वार और हरिद्वार में तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती 7 से। देखिए बिल्कुल कांग्रेस जो जीती है वो बीजेपी की गलतियों की वजह से जीती है जिन भी जगहों पे जीती है। हालांकि हल्द्वानी में जैसा आप बता रहे हैं कि अभी जो हरिद्वार में और हल्द्वानी में भी जो रिजल्ट आने हैं तो वो चीजें हैं, लेकिन देहरादून में का चुनाव हमने बहुत नजदीक से देखा लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि संगठन उनके प्रत्याशी के साथ खड़ा हो। प्रत्याशी अलग थलग थे लेकिन भाजपा क्योंकि कैडर बेस पार्टी है, संगठन पूरा एक साथ चलता है, संगठन एक साथ चल रहा था। लेकिन हम जब कांग्रेस के प्रत्याशी को देख रहे थे तो बहुत अलग थलग अकेले वो पड़े हुए थे और अकेले ऐसा लग रहा था वो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी का बहुत ज्यादा सपोर्ट, कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट। पूछता हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए अब एक बूस्टअप है कि 2019 में 5 सीटें बीजेपी निकाल लेगी, कांग्रेस को कहाँ मेहनत करनी, खोने पाने को कुछ है नहीं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए कम से कम बूस्टअप है 57 की सरकार के साथ ही। बिल्कुल बूस्टअप है उनके लिए क्योंकि दूसरा चुनाव लोकसभा चुनाव उपचुनाव जो था
विधानसभा का थराली का वो लोग जीते थे, उसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी इसको जीती है, कांग्रेस में की एक बार फिर से हार हुई है, बीजेपी के लिए खुश होने की वजह है, लेकिन लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां क्या होंगी वो अलग चीज है, लेकिन हाँ कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो जरूर ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो कही रॉबिन ने। दीपांकर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 2014 में जो मूड बना था फिर विधानसभा चुनाव में वही रहा और वो बरकरार रखना जनता का बहुत जरूरी था, और कम से कम इन नतीजों के बाद खासतौर से मेयर सीट की जब बात करते हैं तो बीजेपी इसमें कामयाब रही है। रिपोर्ट कार्ड जो है कम से कम मुख्यमंत्री का बेहतर रहा है। हल्द्वानी नगर निगम पर बीजेपी ने फिर से कब्जा कर लिया है। बीजेपी के प्रत्याशी और निवर्तमान उम्मीदवार जोगेंद्र रौतेला ने फिर से जीत की दर्ज की है। रौतेला ने जीत के बाद न्यूज 18 से बातचीत भी की। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी की जीत है और बीजेपी की आइडियोलॉजी से ही हमारे जो पीएम है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उनके नेतृत्व की जीत है। अब ट्रिपल इंजन लग चुका है हल्द्वानी में कम से कम, तो अब क्या बदलाव की उम्मीद करें हल्द्वानी की जनता? देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, काफ़ी विकास होना है, विकास समय समय पर बदलता है, आवश्यकताएं बदलती हैं, कई इश्यूज़ हैं और मेरा जो विजन का डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार ही मैं चलूंगा और एक समग्र और सुनिश्चित विकास की तरफ इस हल्द्वानी की शहर को ले जाऊंगा। हल्द्वानी के बड़े रण में बीजेपी के प्रत्याशी जोगेंद्र रौतेला जो निवर्तमान मेयर भी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये किसी जश्न के मौके से कम नहीं है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 हल्द्वानी। उत्तराखंड निकाय चुनाव में वार्डों की बात करें तो निर्दलियों का बोलबाला रहा। 1064 में से 1010 वार्ड्स के रिजल्ट जब आए तो इनमें 545 पर निर्दलियों की बात करें तो वो जीतते नजर आए, जीत गए। बीजेपी को 296 सीटें मिली तो कांग्रेस सिर्फ 161 वार्डों में ही जीत पाई। नगर पालिका चुनावों में 39 में से 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर बीजेपी को पछाड़ दिया तो बीजेपी को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा। निर्दलियों ने 11 सीटें जीती, एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव की बात करें तो 84 निकायों में से 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। एक नगर निगम सीट जीतने के साथ ही कांग्रेस ने 24 सीटों पर कब्जा किया। 23 सीटों पर जीत के साथ निर्दलियों ने अपना दमखम दिखाया, 4 सीटों का परिणाम आना बाकी है। तो बीजेपी ने लहराया परचम, बीजेपी टॉप, कांग्रेस साफ, बीजेपी को फिर जो है और पहाड़ की जनता ने सराखों पर बिठाया है और डबल इंजन की सरकार से यकीनन जो है लोग असंतुष्ट हैं और सत्ता विरोधी लहर का कोई असर नहीं हुआ। लगातार तीसरे चुनाव में कांग्रेस की करारी हार, पहले लोकसभा फिर विधानसभा, अब निकाय में जबरदस्त कहें या शर्मनाक हार कहें तो गलत नहीं होगा। तो प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, जो सरकार चल रही है उसी पर भरोसा जताते हुए जो है जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को ही मौका दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया होगा कि नगर निगम की बात करें या फिर हम बात करें विधानसभा राज्य की बात करें, बेहतर तरीके से काम होंगे क्योंकि जनता को काम चाहिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और ये भरोसा जताने में बीजेपी कामयाब हुई। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है, स्टेट में दूसरी है और उसमें फिर कोऑर्डिनेशन की समस्या रहती है, इस वजह से बहुत सारे काम अटक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों के जहन में ये बात रही कि हर जगह पर बीजेपी को ही रखते हैं जिससे कि काम हो, डेवलपमेंट वाकई हो पाए।